देखिए पहली लाइन, एआई तकनीक न्यायिक प्रक्रियाओं के लिए एक मजबूत और अभेद्य धरातल प्रदान करता है। आइए शुरू करते हैं एआई टेक्निक को। एआई टेक्निक क्या करता है? ये प्रदान करता है प्रोवाइड्स, प्रदान करता है क्या प्रदान करता है उसको आगे लेके चाहिए। प्रोवाइड्स एक मजबूत धरातल, ए रोबस्ट सरफेस, इसको कनेक्ट करें अपन लीगल प्रोसीजर से। रॉबस्ट सरफेस, एआई टेक्निक प्रोवाइड्स, ऐसा लगाएंगे क्योंकि उसे गुलर है उधर। रॉबस्ट सरफेस काहे के लिए मजबूत और अभेद, रॉबस्ट एंड इम्पेनिट्रेबल सरफेस, इन दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना। इम्पेनिट्रेबल सरफेस, इन दोनों को साथ ही जोड़ लेना, किसी भी ऐसे में काम आ जाएंगे। सरफेस रॉबस्ट और इम्पेनिटेबल सरफेस, काई के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं के लिए। फोर लीगल प्रोसीडिंग्स, फोर लीगल प्रोसीडिंग्स, न्यायिक प्रक्रियाओं के लिए। एआई टेक्निक एक कैसा रॉबस्ट और इम्पेनिटेबल धरातल प्रदान करता है, मजबूत भी है और अभेद भी है। डिजिटल वाली जितनी भी हमारी कहानियां हैं वो रॉबस्ट भी है और इम्पेनिट्रेबल भी है। और नई तकनीक न्यायिक प्रक्रियाओं को शानदार गति प्रदान करती है। सीधी सी बात है, दिस न्यू टेक्निक, इसी को अपन अप्रिशिएशन करें। दिस न्यू टेक्निक क्या करती है? ये शानदार गति प्रदान करती है। गिव्स, वही V5 का यूज करना है। गिव ट्रिमेंडस, कोई भी शब्द लगा दो जो पॉजिटिव हो। ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस यानी शानदार, गजब की। ट्रिमेंडस स्पीड, ट्रिमेंडस स्पीड, इसको न्यायिक प्रक्रियाओं को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स लिखते लिखते यहीं पर तैयार कर लो क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। दिस न्यू टेक्निक गिव्स, ये देती है, क्या देती है? गजब की गति, ट्रिमिनस स्पीड, किसको? टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, न्यायिक प्रक्रियाओं को। और न्यायिक सुधार और केस संबंधी प्रबंध में तालमेल स्थापित करती है टेक्निक। न्यायिक सुधार और केस संबंधी प्रबंधन में हार्मनी बनाती है। दिस टेक्निक एस्टेब्लिशेस, दिस टेक्निक एस्टेब्लिशेस स्थापित करती है। एस्टाब्लिशेस तालमेल स्थापित करती है, हार्मनी, कोऑर्डिनेशन भी कर सकते हो उस समय। कोऑर्डिनेशन किस किस में? वो दो चीजें लेकर आओ, बिटवीन, आपको प्रपोजिशन यूज करना है। बिटवीन किस किस में? दो चीजों में करना है आपको, पहला जुडिशियल रिफॉर्म, दूसरा केस रिलेटेड मैनेजमेंट। जुडिशियल रिफॉर्म, दो चीजों में, और कुछ लगा देना वहां पर याद आ जाए तो। जुडिशियल रिफॉर्म्स न्यायिक सुधारों में, एंड दूसरी चीज जिसमें आप स्थापित कर रहे हो, एंड एंड दूसरा ले लीजिए केस रिलेटेड मैनेजमेंट। जितने भी मतलब केस रिलेटेड, कहाँ तारीख आएगी, कहाँ जमानत आएगी, कहाँ क्या होगा, केस रिलेटेड मैनेजमेंट। न्यायिक प्रबंधन संबंधी और जुडिशियल रिफॉर्म में ये टेक्निक एक हार्मनी, एक कोऑर्डिनेशन, एक तालमेल, एक समन्वय को स्थापित करता है। V5 आ रही है, V5 आ रही है, V5 आ रही है, वर्ब का थोड़ा ध्यान रखना है वहां पर, वो ढंग से अपन को हैंडल करना है ताकि कोई हमारे नंबर ना कर्टेल कर ले। ये कानूनी अनुसंधान और विश्लेषण में मददगार साबित हो सकती है। हमें थोड़ा लीगल की बहुत अच्छी बड़ाई करनी है, साबित हो सकती है। दिस टेक्निक AI जो हमारी है, साइंटिफिक टेक्निक है। दिस टेक्निक कैन प्रूव, या पैसिव भी ले लो, कैन बी प्रूव्ड, क्योंकि पैसिव भी जाएगी, कैन बी प्रूव्ड साबित हो सकती है, कैन बी मे बी सब चलेगा। कैन बी प्रूव्ड हेल्पफुल, मददगार, थोड़ा सा साइंस का कंप्यूटराइज ऐसे है, इसको अपन जनरल में चेंज कर रहे हैं। दिस टेक्निक कैन बी प्रूव्ड हेल्पफुल,
किस किस में हेल्पफुल इन लीगल रिसर्च और एनालिसिस, दो चीजों में, इन लीगल रिसर्च एंड एनालिसिस, कानूनी अनुसंधान और विश्लेषण में, दो शब्दों को पकड़ लेना, कानूनी अनुसंधान, कानूनी अनुसंधान और विश्लेषण में, न्यायिक सुधार और मैनेजमेंट संबंधी प्रक्रियाओं में, केस रिलेटेड मैनेजमेंट, न्यायिक सुधार संबंधी हो गया, लीगल रिसर्च हो गया, कानूनी अनुसंधान और विश्लेषण, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, इसको ऐसे में कन्वर्ट करने में थोड़ी सी हमको अलग टाइप से मेहनत करनी है, बजाय और उसके टेक्निकल को ऐसे में उतारने में थोड़ी सी आर्ट थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। फिर हमारा थोड़ा डेटा, न्यायिक प्रक्रियाओं को नया देने के लिए सुवास और स्पेस जैसी एआई का प्रयोग अद्वितीय साबित हो सकता है, ये दो प्रोजेक्ट थे इंडियन गवर्नमेंट के, इसलिए इनको वैसे भी हम उनको मेंशन करना पड़ेगा, एआई टेक्निक, इनको इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, एआई टेक्निक्स लाइक, इनका नाम डालना जरूरी है, एआई टेक्निक्स लाइक, किसकी तरह, पहले का नाम है सुवास, फुल फॉर्म तो कुछ और है, और स्पेस, इसको आपको ऐसे कैसे लिखना है, अभी ज़्यादा उसमें एब्रीविएशन भी लिखना है, सुवास एंड स्पेस, ये दो नाम है, एआई टेक्निक्स लाइक सुवास और स्पेस कैन बी प्रूव्ड, सिद्ध हो सकती हैं, साबित हो सकती हैं, कैन बी प्रूव्ड, कैन बी प्रूव्ड, साबित हो सकती हैं, सिद्ध हो सकती हैं, क्या सिद्ध हो सकती हैं, अद्वितीय, इनडोमिटेबल। टेक्निकल लैंग्वेज को ऐसे की लैंग्वेज में थोड़ा सा कन्वर्ट करने में थोड़ी स्पेशल आर्ट यूज करनी पड़ती है, इनडोमिटेबल, अद्वितीय साबित हो सकती है, टू गिव न्यू मैग्नीट्यूड, नया आयाम देने के लिए, टू गिव न्यू मैग्नीट्यूड, नया आयाम, नया विस्तार, नई परछाइयां, नई ऊंचाइयां, मतलब रिलेटेड वर्ड को दिमाग में एक बार दौड़ा लेना, टू गिव न्यू मैग्नीट्यूड, किसको, न्यायिक प्रक्रियाओं को, इसी की कहानी चल रही है, न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, बहुत अच्छे कंटेंट को, साइंटिफिक लैंग्वेज को बदल रहे हैं हम हमारे ऐसे की लैंग्वेज में, नया आयाम देने के लिए, सुवास और स्पेस जैसे कार्यक्रम वरदान साबित हो सकते हैं, मूल साबित हो सकते हैं, इनोवेटेबल साबित हो सकते हैं, फायदेमंद साबित हो सकते हैं, बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं, रोकना नहीं है, कंटिन्यूटी में बस आपको लगातार डायनामाइट करना है, टू गिव कहीं के लिए, न्यू मैग्नीट्यूड कर लो, न्यू हाइट कर लो, कुछ भी कर लो जो भी बात दिमाग में पैदल हो जाए, न्यू मैग्नीट्यूड टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, एआई टेक्निक प्रोवाइड्स ए रोबस्ट एंड इम्पेनिटेबल सरफेस, एक मजबूत भी और अभेद, मजबूत अभेद सरफेस फॉर लीगल प्रोसीडिंग, कानूनी प्रक्रियाओं के लिए, दिस न्यू टेक्निक गिव्स, देती है, क्या देती है, ट्रिब्यूनल स्पीड, गजब की गति टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, न्यायिक प्रक्रियाओं को, दिस टेक्निक एस्टेब्लिशेस, स्थापित करती है, क्या स्थापित करती है, हार्मनी कोऑर्डिनेशन, हार्मनी कोऑर्डिनेशन किस किस के बीच में, बिटवीन जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड केस रिलेटेड मैनेजमेंट, बिटवीन जुडिशियल रिफॉर्म एंड केस रिलेटेड मैनेजमेंट, दिस टेक्निक कैन बी प्रूव्ड हेल्पफुल इन लीगल रिसर्च एंड एनालिसिस, लीगल रिसर्च एंड एनालिसिस, कानूनी अनुसंधान और विश्लेषण, दो हमारे एग्जाम्पल, एआई टेक्निक लाइक सुवास और स्पेस, सुवास और स्पेस कैन बी प्रूव्ड, सिद्ध हो सकते हैं, इनडोमिटेबल, अद्वितीय, टू गिव न्यू मैग्नीट्यूड, नया आयाम देने के लिए, टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, न्यायिक प्रक्रियाओं, क्लियर पहला पैराग्राफ, दूसरे पर आइए, अब कनेक्टिविटी जा रही है, इसके फायदे क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ हो सकते हैं, छोटे शब्दों में अच्छा विस्तार करना ही ऐसे का आर्ट होता है, फालतू वर्डिंग हमें यूज नहीं करनी है, फालतू वर्डिंग का हमें ना मेंशन करना है ना यूज करना है। देखिए आप, एआई साइबर अपराध को रोकने के लिए अभेद दीवार की तरह काम करता है, एआई साइबर क्राइम में अच्छा भी इसका यूज अच्छा है तो बुरा भी इसका यूज अच्छा है बुरा है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस works as, V5 को यूज करेंगे आप, works as, किसकी तरह, अभेद दीवार की तरह, indomitable wall, impenetrable, impenetrable, अभेद है इसको कोई रोक नहीं सकता, impenetrable wall,
अभेद दीवार की तरह एआई काम करता है। काहे के लिए? साइबर अपराधों को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट साइबर क्राइम्स, टू प्रिवेंट साइबर क्राइम्स, सॉरी और लगा देना, रोकना, प्रिवेंट, रोकना, प्रिवेंट, इम्पेनिट्रेबल अभेद, इम्पेनिट्रेबल अभेद, रोकना, प्रिवेंट। फिर क्या हुआ, ये साइबर हमलों के खिलाफ सबसे बड़ी प्रतिरोधक शक्ति है। दिस इज द बिगेस्ट रेजिडेंस, सुपरलेटिव डिग्री को बुलाओ सबसे। दिस इज द बिगेस्ट, दिस इज द बिगेस्ट रेजिस्टेंस, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस पावर, सबसे बड़ी प्रतिरोधक शक्ति है। दिस इज द बिगेस्ट रेजिस्टेंस पावर, द बिगेस्ट रेजिस्टेंस पावर काई के लिए? अगेंस्ट साइबर अटैक्स, अगेंस्ट, यहीं पर तैयार करना है हमको, अगेंस्ट साइबर अटैक्स, आपराधिक अटैक्स को रोकने के लिए, साइबर अटैक्स, अगेंस्ट साइबर अटैक्स, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, सबसे बड़ी प्रतिरोधक पावर है, इम्पेनिटेबल वॉल है। एआई की बड़ाई कर रहे हैं साइबर को लेते हुए। फिर ये तकनीक खतरे की प्रतिक्रिया और दुर्घटना प्रबंधन की कसौटी पर खरा उतरता है। जो भी हमारा होता है पता पहले ही चल जाता है कि क्या होने वाला है। दिस टेक्निक होल्ड्स वाटर, सेंसर इसीलिए लगे, सेंसर इसी का फायदा है। दिस टेक्निक, इसके फायदे जोड़ रहे हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। दिस टेक्निक खरी उतरती है होल्स वाटर, खरी उतरती है होल्स वाटर, खरी उतरती है होल्स वाटर, कहाँ खरी उतरती है? बुला के लाओ, एट रिएक्शन ऑफ डेंजर, जैसे खतरा की प्रतिक्रिया होगी पहले से ही बीप करने लग जाएगा। एट रिएक्शन ऑफ डेंजर, खतरे की प्रतिक्रिया, खतरा नहीं लिखा है, खतरे की प्रतिक्रिया, अंडरलाइन कर लेना। एट रिएक्शन ऑफ डेंजर, खतरे की प्रतिक्रिया पर खरी उतरती है, सेंसर काम करने लग जाती है कि यही टेक्निक काम कर रही है, आग लगने वाली है, धुआं हो रहा है, पहले से पता चल जाएगा, बीप करेगा वो, बीप करते ही सब अलर्ट हो जाएंगे। तो एट रिएक्शन ऑफ डेंजर, उसके बाद दूसरा एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्सीडेंट। अब पहले से जो आपके एक्सीडेंट है बहुत कम हो गए हैं, चाहे वो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ एक्सीडेंट्स, जो भी आपके दुर्घटनाओं का प्रबंधन है उसमें और खतरे की प्रतिक्रिया में एआई टेक्निक 100% खरी उतरती है। एआई टेक्निक होल्ड्स वाटर एंड रिएक्शन ऑफ डेंजर एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्सीडेंट्स। उसके बाद एआई की सटीकता को कोई प्रणाली चुनौती नहीं दे सकती, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। नो सिस्टम कैन चैलेंज, कोई भी प्रणाली चाहे किसी को उतार लो, नो सिस्टम कैन चैलेंज, नो सिस्टम कैन चैलेंज एक्यूरेसी ऑफ एआई, एक्यूरेसी ऑफ एआई, एआई की सटीकता को कोई भी प्रणाली चुनौती नहीं दे सकती। नो सिस्टम कैन चैलेंज एक्यूरेसी ऑफ एआई, और ए ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट आउटशाइन इट, एआई ह्यूमन ब्रेन इसको कभी भी मात नहीं दे सकता, एक मानवीय दिमाग इसको कभी भी, इसकी बेहतर निर्णय क्षमता को कभी भी मात नहीं दे सकता। ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट आउटशाइन, बना था ह्यूमन ब्रेन ही है, लेकिन अब चेस खेलने बैठो इसके साथ, अपन को 1 मिनट में हरा देगा। ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट, मॉडल को बुलाया, कैन नॉट आउटशाइन इट, आउटशाइन मात देना, किसी को पछाड़ देना, किसी को पीछे छोड़ देना, ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट आउटशाइन इट, एक्सीलेंट डिसीजन पावर, इट एक्सीलेंट, या टिमिडस कर दो, एक्सीलेंट डिसीजन पावर, इसकी बेहतर निर्णय क्षमता को मानवीय ब्रेन कभी भी चैलेंज नहीं कर सकता, आउटशाइन नहीं कर सकता, पछाड़ नहीं सकता, चाहे बनाए ह्यूमन ब्रेन ने, बनाए मैकार्थी ने, लेकिन मैकार्थी भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता, चाहे कितना भी लगा ले, बोले मैंने बनाया, तू मेरा ही जो है एक रूप है, होगा, लेकिन अब तू मुझे चेस में, कोई भी ह्यूमन मुझे नहीं हरा सकता है, सीधी सी बात है। ये तकनीक नई खोजों की खोज करके, बहुत अच्छी लाइन, ये तकनीक नई खोजों की खोज करके, हैविंग को बुलाओ थोड़ी देर के लिए, हैविंग की जरूरत पड़ गई तो हैविंग को भी बुलाएंगे। हैविंग डिस्कवर्ड न्यू डिस्कवरीज, साइंस का ऐसे है तो उसको साइंस की तरह डील कर रहे हैं अपन।
हैविंग डिस्कवर्ड, हैविंग डिस्कवर्ड न्यू डिस्कवरीज, हैविंग डिस्कवर्ड न्यू डिस्कवरीज, नई खोजों की खोज करके क्या होगा? नई खोजों की खोज करके ये तकनीक स्वास्थ्य सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकसित कदम रखेगी, सबको लपेट दिया एक साथ। दिस टेक्निक विल, नया स्टेप रखेगी, नई टेक्निक रखेगी, विल पुट ए न्यू स्टेप, नया टेक्निक रखेगी, सबको एक साथ रखेगी, विल पुट रखेगी, पुट ए न्यू, एक नया, विकसित, विकसित करना जरूरी है, डेवलप्ड स्टेप, एक नया विकसित कदम रखेगी। कहाँ कहाँ रखेगी? इन फील्ड ऑफ, सबके नाम जोड़ देंगे, दो तीन ही नाम जोड़ने, ज्यादा नहीं, शब्द बाहुल्यता नहीं करनी है, हमें मतलब की बात रखनी है। इन फील्ड ऑफ, किस किस के फील्ड में, इन फील्ड ऑफ किस क्षेत्र में रखना देगी? फील्ड ऑफ हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाओं में, हेल्थ सर्विसेज स्वास्थ्य सेवाओं में रखना है इसको। दूसरा साइंस, साइंस आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, इसी के बिना इसका काम नहीं चलेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नया कदम रखेगी, टेक्नोलॉजी में नया कदम रखेगी। विच विल स्कैटर, एक अच्छा, जो प्रगति के आसमान में एक सप्तरंगीय इंद्रधनुष के समान रंग बिखेरेगा। विच विल स्कैटर कलर्स, विच विल स्कैटर, विच विल स्कैटर, स्कैटर यानी बिखेरना, कलर्स, विच विल स्कैटर कलर्स, जो आपके रंग बिखेरेंगे, अकिन टू 7 कलर रेनबो। एक उपमा दे रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं, साइंस के लैंग्वेज को एडिटोरियल में चेंज कर रहे हैं, अकिन टू 7 कलर रेनबो, सप्तरंगीय इंद्रधनुष के समान ये आसमान में जो कलर बिखेरेगी, इन स्काई ऑफ प्रोग्रेस, प्रगति के आसमान में, ये लिखना जरूरी है। साइंस के ऐसे को या टेक्निकल ऐसे को एडिटोरियल में बदलने की गांठ होती है कि उसको लिखे कहने, प्योर आप 100% साइंस की लैंग्वेज लिख ही नहीं सकते, तो ना तो वो याद रहती है ना वो लिखी जाती है। साइंस की लैंग्वेज बड़ी खतरनाक होती है, और साइंस का पेपर नहीं है ये, हमारे ऐसे का पेपर है। हैविंग डिस्कवर्ड न्यू डिस्कवरीज, नई खोजों की खोज करके, दिस टेक्निक विल, ये टेक्निक विल पुट ए न्यू डेवलप्ड स्टेप, एक नया विकसित कदम रखेगी, इन फील्ड ऑफ हेल्थ सर्विसेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विच विल स्कैटर, जो कलर बिखेरेगी, अकिन टू 7 कलर रेनबो, सप्तरंगीय इंद्रधनुष के समान, इन स्काई ऑफ प्रोग्रेस, प्रगति के आसमान में। ये तकनीक उत्पादन उत्पादा के क्षेत्र में ब्रह्मास्त्र साबित होगी, वह प्रोडक्टिविटी में ले आओ आप। दिस टेक्निक विल प्रूव, साबित होगी, क्या साबित होगी? ब्रह्मास्त्र, एश्योर फायर वेपन, ब्रह्मास्त्र, एश्योर, इस सब जगह का श्योर फायर वेपन, एश्योर फायर वेपन, कहाँ? इन फील्ड ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, उत्पादक और उत्पादक का उत्पादकता के क्षेत्र में ये तकनीक ब्रह्मास्त्र साबित होगी। हैविंग डिस्कवर्ड न्यू डिस्कवरी, द टेक्निक विल पुट ए न्यू डेवलप्ड स्टेप इन फील्ड ऑफ हेल्थ सर्विसेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विच विल स्कैटर कलर्स, अकी टू 7 कलर रेनबो, इन स्काई ऑफ प्रोग्रेस, दिस टेक्निक विल प्रूव ए श्योर फायर वेपन, एक ब्रह्मास्त्र साबित होगी, इन फील्ड ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्टिविटी। साइंस का ऐसे है, कन्वर्ट करना है एडिटोरियल लैंग्वेज में। नेक्स्ट चलिए, बार चार की तरफ मुंह करते हैं। ये प्रणाली नए वातावरण में खुद को ढाल सकती है और विषम परिस्थितियों के अनुसार अपने में सुधार कर सकती है, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, क्योंकि तो इतना ह्यूमन ब्रेन में नहीं होता है जितना इस टेक्निक में है। कैसी भी पोजिशन हो, मान लो ड्रोन टेक्निक चल रही है और धूप है, क्या फर्क पड़ेगा? बारिश है, क्या फर्क पड़ेगा? इंसान 48 से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये कर सकता है। इस लाइन को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कर लेना, बहुत अच्छी लाइन है। ये प्रणाली नए वातावरण में खुद को ढाल सकती है और विषम परिस्थिति के अनुसार अपने में सुधार कर सकती है, ये इंसान में नहीं हो सकता है। दिस सिस्टम कैन, दिस सिस्टम
कैन ढालने के लिए पहला वर्ड, पहली बार आ रहा है आपके सामने वर्ड एक्लिमेटाइज, बड़ा अच्छा वर्ड है एक्लिमेटाइज, ढाल जाना, एक्लिमेटाइज यानी ढाल जाना, ढल जाना, इटसेल्फ अपने आप को, खुद को, ऐसा नहीं है कि साहब मौसम से, इटसेल्फ टू, एक्लिमेटाइज के साथ प्रपोजिशन टू आएगा, टू न्यू सिनेरियो इजीली, जैसा भी माहौल होगा, जैसा भी माहौल होगा, ऐसा नहीं कि साहब कैसा है, क्योंकि टेक्निक है न्यू, न्यू सिनेरियो इजीली, इजीली एडवर्ब है, एक्लिमेटाइज के साथ प्रपोजिशन टू आएगा, और इसकी विशेषता और सुधार कर सकती है एंड रिफॉर्म इटसेल्फ, रिफॉर्म यदि सुधार कर सकती है, रिफॉर्म इन इटसेल्फ खुद में सुधार कर सकती है, इसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ऑल सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू जैसी भी परिस्थितियां हो, ऐसा नहीं कि साहब मशीन है तो फेल हो जाएगी, ऑल सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग ऑल सर्कमस्टांसेस, विषम परिस्थिति के अनुसार सुधार कर सकती है, नए वातावरण में खुद को ढाल सकती है, ये लाइनें आपको लिखनी लिखनी है एआई टेक्निक आया तो, क्योंकि इंसान ऐसा नहीं कर सकता, इंसान एक लिमिटेशन तक ही अपने आप को एक्रिमिनाइज कर सकता है, उससे ज्यादा वो फिर फेल हो जाता है, उसकी बस की बात नहीं होती है, उसके आगे हम बढ़ाई कर रहे हैं। इस प्रकार एआई तकनीक और अंतरिक्ष अनुसंधान एक दूसरे की परछाई है, जोड़ दो आप, जैसे वो गई हुई है, क्या नाम गई है, सुनीता विलियम्स, एआई पे तो काम कर रही है, वो किस पे काम कर रही है, वहां कौन सा रास्ता है, वो जो भी काम कर रही है जीवित है, जो भी है, इसी कारण इन दिस वे, बिल्कुल एआई का बहुत शानदार उदाहरण है वो, इन दिस वे, इस प्रकार क्या है, एआई टेक्निक एंड स्पेस रिसर्च, दिमाग में पहले प्रिंट करते जाओ, एआई टेक्निक एंड जोड़ दो उससे अंतरिक्ष अनुसंधान स्पेस रिसर्च, हमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, छोटी सी बात में बहुत कुछ हमें वहां पर मेंशन करना है, ऐसे नहीं उसी उसी को लिख के बढ़ा दिया, एक बात में सब कुछ कह गए, इन दिस वे एआई टेक्निक एंड स्पेस रिसर्च क्या है, एक दूसरे की परछाई है, यानी एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा, शेडो ऑफ, शेडो का मतलब परछाई, ईच अदर यानी एक दूसरे के, एआई टेक्निक के बिना रिसर्च अनुसंधान एक इंच भी आगे नहीं चल सकता है, एक इंच भी आगे नहीं चलेगा, एक दूसरे की परछाई है, यानी एआई रिसर्च जो होगा उसकी शुरुआत ही एआई से होगी, विदाउट एआई तो है ही क्या, वहां पर कौन सा मैनुअल है, मैनुअल तो कुछ भी नहीं है। फिर एआई अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण और अपरियाय भूमिका निभाता है, निभाओ साहब, एआई प्लीज, प्लेज आएगा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ए आई प्लेज क्या निभाता है, अहम, इज सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट अहम महत्वपूर्ण कुछ भी कह दीजिए आप, इज सिग्निफिकेंट, दूसरा वर्ड कॉल करो, अपर्याय जिसको आप टाल नहीं सकते, जरूरी है, एंड एंड इनएविटेबल, इनएविटेबल रोल किसमें निभाता है, दोनों को वर्ड को जोड़ देना, सिग्निफिकेंट एंड इनएविटेबल, सिग्निफिकेंट एंड इनएविटेबल रोल इन स्पेस रिसर्च, इन स्पेस रिसर्च, स्पेस के साथ जोड़ रखा है एआई को अपन ने, पहले और जोड़ा था, अब स्पेस के साथ जोड़ दो, चैट जीपीटी इज इनक्रेडिबल इनकार्नेशन ऑफ एआई, अब इसको ले आओ, ये अभी अभी आया है, चैट जीपीटी ट्रांसलेशन करता है और करता है, चैट जीपीटी इज एन टेक्निकल लैंग्वेज, कन्वर्ट हो रही है आपके ऐसे की लैंग्वेज में, एन इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल इनकार्नेशन, इनकार्नेशन का मतलब होता है अवतार, एक अविश्वसनीय अवतार है, वैसे तो सारी अविश्वसनीय, लेकिन बदल बदल कर गेम खेल रहे हैं हम भी, इनक्रेडिबल इनकार्नेशन है किसका, ऑफ एआई, एआई का एक अविश्वसनीय अवतार है चैट जीपीटी, सारे ही अविश्वसनीय है, बैंकिंग सिस्टम हो, रक्षा हो, सब जगह ड्रोन सिस्टम है, वो भी यहाँ पर कुछ भी लगा देना, रोबोट है वो लगा देना, कुछ भी ऐसा टेक्निकल आए, डिजिटल आए, सब जगह लाइन जाने को तैयार है, एक अविश्वसनीय अवतार है, और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है
दिस इज द सिग्निफिकेंट फैक्ट, सिग्निफिकेंट लिख लिया, सेमिनल कर दो, दिस इज द मोस्ट, दिस इज द मोस्ट सेमिनल फैक्ट, सेमिनल फैक्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, क्या है, दैट दैट क्या है, एआई टेक्निक इज एक्सेस, एआई टेक्निक इज एक्सेसिव सेंसिटिव टेक्निक, बहुत संवेदनशील है, खर से पता लगा, सेंसर बहुत काम करते हैं इसके, दैट एआई टेक्निक जो इसकी बढ़ाई है वो चल रही है, एआई टेक्निक क्या है, अपने अस्तित्व के प्रति अत्यधिक संवेदनशील और जागरूक होता है, उसे पता है कि मुझे क्या करना है, एआई टेक्निक इज एक्सेसिव एक्सेसिव सेंसिटिव एंड अवेयर, अवेयर भी होती है, सेंसिटिव एंड अवेयर, जागरूक होती है सबसे ज्यादा इसकी है, जैसा इसको कहा जाए अवेयर, वो ज्यादा जागरूक होती है टुवर्ड्स मशीन है, फिर भी जागरूक बहुत ज्यादा है टुवर्ड्स इट्स एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व के लिए, अपनी एंटिटी के लिए, टुवर्ड्स इट्स एग्जिस्टेंस और एंटिटी, टुवर्ड्स इट्स एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस भी लिख देंगे तो भी चलेगा, वजूद के लिए एंटिटी लिखेंगे तो भी चलेगा, उसमें जो याद आए वही पहले छाप देना है, इंतजार नहीं करना है। समाज और राष्ट्र को अत्यधिक फायदा देने के लिए एआई तकनीक एक शानदार आयाम है, एआई टेक्निक इज ए, एआई टेक्निक इज ए ट्रिमेंडस, अपन ने पीछे यूज कर लिया, शानदार के लिए यूज कर दो यहां पर स्टर्लिंग, कोशिश करना वर्ड को चेंज करते हुए लिखो क्योंकि वर्ड काउंटिंग नहीं होती है, स्टर्लिंग मैग्नीट्यूड, धरातल कर दो मैग्नीट्यूड, एक शानदार आयाम है काय के लिए, एक स्टर्लिंग मैग्नीट्यूड है, ट्रिमिनस मैग्नीट्यूड है, जो भी उस समय याद आ जाए, टू गिव एक्सेसिव प्रॉफिट टू सोसाइटी एंड नेशन, देने के लिए, टू गिव, आज हम बैंक में जाते हैं सीधा कोर जाता है, कोई नहीं जाता है सीधा, पर ये वो सारी ऑनलाइन हो गया, कितना इजी हो गया जिंदगी, टू गिव एक्सेसिव प्रॉफिट, एक्सेसिव प्रॉफिट, प्रॉफिट टू किस किस को, समाज और राष्ट्र को, टू सोसाइटी एंड नेशन, टू सोसाइटी एंड नेशन, समाज और राष्ट्र को अत्यधिक फायदा पहुंचाने के लिए एआई टेक्निक एक बहुत शानदार आयाम है, बहुत शानदार धरातल है, बहुत शानदार रिसर्च है, बहुत शानदार वरदान है, कुछ भी जो माइंड वहां पर आपका उस समय काम कर जाए वो बढ़, लेकिन पेन को मत रोकना, बस पेन को रोकते ही पोज होगा, पोज होते ही नंबर कटने की अच्छी संभावना। फिर क्या कहता है देखिए, प्रकृति का ये अटल नियम है, थोड़ा सा नॉर्मल आ रहे हैं, दिस इज स्टैंड फास्ट टू ऑल नेचर, थोड़ी सी बुराई भी करनी पड़ेगी, दिस इज स्टैंड फास्ट, स्टैंड फास्ट का मतलब अटल, दिस इज स्टैंड फास्ट रूल ऑफ नेचर, दिस इज स्टैंड फास्ट रूल ऑफ नेचर, इसको बोलेंगे अटल, ये प्रकृति का अटल नियम है। क्या नियम है देख लेते हैं, बिना फूलों के हम कांटों की कल्पना नहीं कर सकते, तो कोरिलेटेड है दैट वी कैन नॉट इमेजिन फ्लावर्स, ये लाइन कहीं भी लिख देना, दैट वी कैन नॉट इमेजिन फ्लावर्स, वी कैन नॉट इमेजिन, हर जगह चलेगा, और खुशबूदार फूल लिखो तो फ्रेग्रेंट फ्लावर लिख देना, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, हम खुशबूदार फूलों की कल्पना नहीं कर सकते विदाउट कांटेदार कांटों के, विदाउट स्टैंडर्ड लाइन एक नहीं लगा देना, थॉर्नी थॉर्न्स, बिना कांटोदार कांटों के हम फूलों की कल्पना नहीं कर सकते, थॉर्नी थॉर्न्स यानी कांटेदार कांटे, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स यानी खुशबूदार फूल, ये प्रकृति का नियम है, उसे हमें फॉलो करना है। क्या क्या ऐसा क्यों कहा, क्योंकि थोड़ी सी एक आधी बुराई भी करनी पड़ेगी, प्रोज है वहाँ कौन से, ए आई टेक्निक विच कैन नॉट समटाइम टेक इनसिक्योर एंड एम्बिगुअस डिसीजन, कभी कभी, हमेशा तो नहीं लेकिन कई बार उपचुक हो जाती है ये भी, ए आई
टेक्निक है वो कभी कभी क्या नहीं कर पाती है, एआई वो टेक्निक है तो आखिर टेक्निक इंसान के द्वारा, एआई इज ए टेक्निक, क्या नहीं कर पाती है, विच, ये इंपॉर्टेंट लाइन, विच क्या नहीं कर पाती है, विच कैन समटाइम टेक इनसिक्योर एंड एम्बिगुअस डिसीजन, विच कैन समटाइम टेक, कभी कभी, हमेशा तो नहीं, समटाइम टेक कैसा डिसीजन, असुरक्षित, तभी तो ट्रेन एक्सीडेंट हो जाते हैं, इनसिक्योर एंड अस्पष्ट डिसीजन, कमांड गलत हो जाता है तो वो भी उपचुक हो जाती है, कमांड ये मा तो सारा जो भी है, एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस डिसीजन, अस्पष्ट निर्णय लेती है, इनसिक्योर एंड एम्बिग्यूअस डिसीजन। पारदर्शी एआई तकनीक होने के लिए इस प्रणाली को एक लंबा और पथरीला रास्ता तय करना पड़ेगा, वो तो सबको करना पड़ता है, सिर्फ बात लिखने के लिए हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, दिस सिस्टम विल हैव टू पास या क्रॉस, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा इस प्रोसेस को सही वे में आने में, दिस सिस्टम विल हैव टू पास, दिस सिस्टम विल हैव टू पास, कैसा रास्ता, कहीं भी लगा देना, पॉलिसी के लिए, कानून के लिए, कहीं भी लगा देना, रामबाण शब्द है, विल हैव टू पास, कैसा, एक लंबा, ए लॉन्ग एंड पथरीला, स्टोनी, स्टोनी पाथ, एक लंबा और पथरीला रास्ता, स्टोनी पाथ, काहे के लिए, पारदर्शी बनने के लिए, टू बिकम ए ट्रांसपेरेंट सिस्टम, अब काहे के लिए हो रहा है हमें भी नहीं पता, सब जगह लग जाएगा, टू बिकम ए ट्रांसपेरेंट सिस्टम, ट्रांसपेरेंट सिस्टम, पारदर्शी सिस्टम बनने के लिए इस प्रणाली को लंबा और एक पथरीले रास्ते से गुजरना पड़ेगा, यानी कुल मिला के थोड़ी कमियां तो हमें इसको चाहते हुए ना चाहते शो करनी पड़ेगी, हम प्लस ही प्लस नहीं बोल सकते, एक बार हमें नेगेटिव पॉइंट जानबूझ के यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, एक लंबा और पथरीला रास्ते से गुजरना पड़ेगा, फिर ये तकनीक रोजगार को अजगर की तरह निगल सकती है, जैसे काफी रोजगार खत्म हो गए पर दे भी तो दिए, इस बात में कोई दम नहीं है पर लिखना पड़ेगा, दिस टेक्निक में संभावना है, में क्या माइट कर दो ताकि हल्की संभावना हो जाए, है ही नहीं ऐसा, तो आज आईटी के क्षेत्र में कितने रोजगार है, दिस टेक्निक माइट क्या कर सकती है, निगल सकती है, गल्प, गल्प क्या, गल्प अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अवसरों को ये टेक्निक निगल सकती है, खत्म कर सकती है, गल्प कर सकती है, स्वेलो कर सकती है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ पुराने रोजगार अब खत्म, कंप्यूटर आ गया, मैनुअल काम खत्म हो गया था, हजारों रोजगार इसने दे भी तो दिए, तो ये हम सिर्फ माइट में कर दिया, माइट का मतलब बहुत हल्की संभावना है, बुराई करने के लिए एक आधी आपको फालतू की लाइन इंक्लूड करनी पड़ रही है, जिसका कोई लॉजिक है ना कोई रेशनलिटी है, ये एक मानव ना तो रोबोट को पछाड़ सकता है ना ही मात दे सकता है, ये बात रोबोट ही तो है, ए ह्यूमन बीइंग कैन, नाइदर नोर को यूज कर रहे हो आप, नाइदर नोर में नोट की जरूरत पड़ती नहीं है, कैन नाइदर ना तो पछाड़ सकता है, आउटशाइन, पछाड़ना मतलब वो ये सब, आउटशाइन नॉर सरपास, मतलब एक ये सिर्फ लिखने का अंदाज बदला हमने, सरपास ए रोबोट, आउटशाइन मात देना, सरपास पछाड़ना, सरपास मात देना, आउटशाइन पछाड़ना, हमने नाइदर नोर को यूज किया है, तो जिस वाक्य में नाइदर नोर आ जाए उसमें नोट नहीं लगाना, इट कम रेन और शाइन, चाहे कुछ भी हो, इट कम रेन और शाइन, ये फिर जोर जोर देना तो सेंटेंस अच्छा सा लंबा हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो, एनी कंडीशन, चाहे कुछ भी हो, ना तो उसे सरपास कर सकता है ना ही उसे आउटशाइन कर सकता है, और एआई
मानवीय भावना और रचनात्मकता के साथ खिलवाड़ कर सकता है। भावना को क्या समझेगा, क्योंकि मशीन है इसलिए रचनात्मक क्रिएटिविटी नहीं समझता। एआई टेक्निक कैन खिलवाड़ करने के लिए, मैंने आपको बताया था जगल विथ, बहुत अच्छी फ्रेज है जगल विथ, काफी ऐसे भी यूज होगी जगल विथ। एआई टेक्निक कैन जगल विथ, खिलवाड़ कर सकता है किस किस के साथ, मानवीय भावनाओं के साथ, ह्यूमन सेंटीमेंट्स एंड ह्यूमन सेंटीमेंट्स एंड क्रिएटिविटी रचनात्मकता के साथ और मानवीय भावनाओं के साथ ये जगलवित कर सकता है, खिलवाड़ कर सकता है। क्यों? इस तकनीक का नैतिकता और व्यावहारिकता से 36 का आंकड़ा होता है। व्यावहारिकता नहीं जाती, मॉरलिटी नहीं जाती। दिस टेक्निक 36 के आंकड़े को बुलाओ, हैज पोल्स अपार्ट डिस्टेंस, 36 का आंकड़ा होता है इस, बहुत वो अलग ये अलग, पोल्स अपार्ट डिस्टेंस होता है किससे, दो चीजों से। नैतिकता, नैतिकता को जानती नहीं है मशीन है, क्यों जानेगी। फ्रॉम मॉरेलिटी एंड आपकी प्रैक्टिकलिटी प्रैक्टिकलिटी व्यवहारिकता को नहीं जानती, प्रैक्टिकलिटी को भी नहीं जानती, मॉरेलिटी को भी नहीं जानती। और ये तकनीक बढ़ती हुई निष्क्रियता और आलस्य को जन्म देती है। ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा इंसान ज्यादा अजाइल हो गया। लेकिन ऐसे में एक आधी निगेटिव पॉइंट हमें लेने ही पड़ेंगे। दिस टेक्निक एंजेंडर्स क्या इसको जन्म देती है, दो चीजों को जन्म देती है। पहला निष्क्रियता, इनएक्टिविटी एंड, और दूसरा आलस्य को, लेजीनेस और लेथार्जिकनेस, लेजीनेस और लेथार्जिक नेस। ये हमने कुछ फालतू की वर्थलेस बुराइयां कर दी, लेजीनेस और लेथार्जिक नेस। द टेक्निक माइट गल्प अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ए ह्यूमन बींग कैन नाइदर आउटशाइन और सरपास ए रोबोट, इट कम रेन और शाइन। ए आई टेक्निक कैन जगल विद को अंडरलाइन कर लेना, खिलवाड़ करना, जगल के साथ प्रपोजिशन विथ आएगा, ह्यूमन सेंटिमेंट्स, मानवीय भावनाएं एंड क्रिएटिविटी रचनात्मकता। दिस टेक्निक हैज पोल्स अपार्ट डिस्टेंस फ्रॉम मॉर्टेलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ये तकनीक 36 का आंकड़ा रखती है नैतिकता से और व्यवहारिकता से। दिस टेक्निक एंजेंडर्स इनएक्टिविटी एंड लेजीनेस, ये निष्क्रियता और आलस्य को जन्म देती है। बताओ अशोक, हो गए 4 पॉइंट, 5वां पॉइंट का नेक्स्ट क्या ले बताओ। वो मेरी जो 2023 है, सरोगेसी है, ले पहले वो मेरी जैसे 2023 ले ले पहले, क्योंकि मुझे लगता है आ सकता है। सरोगेसी भी पॉइंट बहुत शानदार है, फिर सरोगेसी ले लेते हैं। वो तो सरोगेसी बहुत प्यारा है।